Shri Baglamukhi Shatru Vinashak Kavacham Shri Devya Uvacha Namaste Shambhave Tubhyam Namaste Shashi Shekhar Tvat Prasadatra Chrutam Sarva Madhuna Kavacham Vada Shri Shiva Uvacha Srinu Devi Pravakshami Kavacham Paramadbhutam Yasya Smarana Matrena Ripoh Stambho Bhavetshanat Kavachasya Cha Deveshi Mahamaya Prabhavatah Paktih Chandah Samuddhistam Devata Baglamukhi Dharamartha Kama Mokcheshu Viniyoga Prakirtitah Omkaro Me Shirapato Limkaro Vadane Avato Baglamukhi Dora Yugamam Kante Sarva Sadavatu Dushtanam Patu Hridayam Mukham Tatah Padam Udare Sarvada Patu Stambhayeti Sadamama Jihvam Kilaya Me Matar Bagala Sarvadavatu Buddhim Vinashaya Padavutu Limom Me Digavidikchucha Swaha Me Sarvada Patu Sarvatra Sarvasandhishu Iti Te Kathitam Devi Kavacham Paramadbhutam Yasya Smarana Matrena Sarvastambho Bhavetshanat Yadhritva Vividhadaitya Vasavena Hatapura Yasya Prasadat Siddhoham Hari Sattva Gunanvitaha Vedha Srishtim Vitanute Kama Sarva Jagajayi Likhitva Dharayetyastu Kante Vadakshine Bhuje Shatkarma Siddhistasyashu Mamatulyo Bhavedhruvam Agyatva Kavacham Devi Tasya Mantro Na Siddhyati Shri Baglamukhi Shatru Vinashak Kavacham Shri Baglamukhi Shatru Vinashak Kavach Shri Devi ne kaha He Bhagavan Shambhudev आपकी सेवा में प्रणाम निवेदित है। हे शशि शेखर, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आपकी कृपा से मैंने सभी कुछ का श्रवण किया था। अब आप इसका कवच कृपया बतलाइए। भगवान श्री शिव ने कहा, हे देवी, मैं परम अद्भुत कवच का वर्णन करूंगा। आप उसका श्रवण कीजिए, जिसके केवल श्रवण करने से ही महान शक्तिशाली भगवान विष्णु का भी एक ही क्षण में स्तंभन हो जाया करता है। साधारण प्राणी की तो बात ही क्या है। हे देवेशी, आपके प्रभाव से इस कवच में ऐसी अद्भुत शक्ति है। इसका छंद पंक्ति बताया गया है और इसका देवता बगलामुखी। इसका विनियोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों वर्गों की प्राप्ति में करें। ओमकार मेरे सिर की रक्षा करें तथा हलीमकार मेरे वदन की सुरक्षा करें। बगलामुखी मेरी दोनों बाहुओं की रक्षा करें और सर्व कंठ का परित्राण करें। दुष्टा नाम यह पद मेरे हृदय को सुरक्षित करें। इसके अनंतर वाचम मुखम पदम ये तीनों पद सर्वदा मेरे उदर की रक्षा करें और स्तंभय यह सर्वदा मेरा परित्राण करें। हे माता, जिह्वाम कीले यह मेरी सर्वदा रक्षा करें। बुद्धिम विनाशय यह मेरे दोनों पदों का त्राण करें और ह्लीम ओम यह मेरी दिशाओं तथा विदिशाओं में सुरक्षा करें। स्वाहा पद सर्वदा सब जगह मेरी समस्त संधियों में रक्षा करें। हे देवी, मैंने इस परम अद्भुत कवच का वर्णन आपके सामने कर दिया है, जिसके केवल स्मरण भर कर लेने से ही क्षण में सभी का स्तंभन हो जाया करता है। इसका श्रवण तथा स्मरण करके पहले देवेंद्र ने सभी दैत्यों का हनन कर दिया था, जिसके प्रसाद से मैं सब गुणों से समन्वित हरि सिद्ध हुआ हूँ। इसके ही प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करके उसे विस्तृत किया करते हैं और इसकी ही कृपा से कामदेव को सब पर विजय की प्राप्ति होती है। जो पुरुष इसको लिखकर कंठ में अथवा दाहिनी भुजा में बांध ले,
उसको सत्कर्मों की शीघ्र ही सिद्धि हो जाती है और शीघ्र ही मेरे तुल्य हो जाया करता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण सत्कर्म कहे जाते हैं। हे देवी, इसके कवच के बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। इस कवच का पाठ सदैव आपको करते रहना चाहिए। कुछ ही दिनों में यह परम शक्तिशाली श्री बगलामुखी शत्रु विनाशक कवच अपना प्रभाव दिखाता है। यदि आप सक्षम हैं और शीघ्र प्रभाव चाहते हैं तो माँ बगलामुखी मंदिर के आचार्य और साधकों द्वारा विधि विधान से अभिमंत्रित इसी श्री बगलामुखी शत्रु विनाशक कवच मंत्र का 151,000 जप अनुष्ठान करके धारण हेतु कवच तैयार किया गया है, जो अत्यंत ही प्रभावशाली है। इस कवच को आपके नाम, गोत्र और मनोकामना से संकल्पित करके एवं माँ बगलामुखी को धारण कराकर आप तक भेजा जाता है। श्री बगलामुखी शत्रु विनाशक कवच की दक्षिणा मात्र 1100 रुपये और भेजने का शुल्क 180 रुपये है। श्री बगलामुखी शत्रु विनाशक कवच प्राप्त करने के लिए 8010224499 अर्थात 8010224499 पर SMS, WhatsApp और कॉल कर सकते हैं।